तो उदयपुर में रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट की घटना की जांच में एनआईए की एंट्री हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा है कि साजिश ब्रिज को उड़ाने की थी, लेकिन हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान के उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर ओडा रेलवे पुल पर शनिवार रात 10 बजे धमाके की आवाज सुनाई देती है। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचते हैं तो वहां के हालात देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट की साजिश को अंजाम दिया गया था। पटरियां कई जगह से टूट गई थी, पटरियों पर लगे नट बोल्ट भी खोल दिए गए थे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि रेलवे ट्रैक पर बने ये ब्रिज दरअसल कहां पर है। रेलवे का ये ओवरब्रिज सड़क के ऊपर है, जोधपुर के पास सलुम्बर रोड पर। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बना है ये ब्रिज उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर है और सड़क से करीब 35 मीटर ऊंचा, 4 मीटर चौड़ा और 45.4 मीटर लंबा है। ये पुल उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन सेवा शुरू होने से कुछ समय पहले ही बनकर तैयार हुआ था। धमाके के बाद पुल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की गई है, साजिश करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर एक एक्सप्लोजिव यूज करके ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की गई है और एक ऐसी साजिश रची गई है कि ट्रेन को नुकसान हो, पैसेंजर्स को नुकसान हो। इस तरह की कार्रवाई करने वाले जो भी व्यक्ति है उनको पकड़ के सजा दी जाएगी। एटीएस की टीम, एनआईए की टीम, रेलवे की आरपीएफ की टीम, सब की सब जैसे ही खबर मिली थी अर्ली मॉर्निंग साइट पे पहुंच के इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लॉजिकल एंड तक लिया जाएगा। जो भी इसमें शामिल है उनको पनिश किया जाएगा। उदयपुर अहमदाबाद के बीच चलने वाली ट्रेन की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते 31 अक्टूबर को असारवा स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर की थी। पहले छोटी लाइन थी जिसे हटाकर ब्रॉड गेज में तब्दील किया गया था। उदयपुर रेलवे ट्रैक पर हुई इस साजिश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, रेलवे ट्रैक को निशाना किसने बनाया? सवाल नंबर 2, इस विध्वंसक धमाके के पीछे किसका हाथ है? सवाल नंबर 3, कहां से आया बारूद? सवाल नंबर 4, ब्लास्ट के लिए ब्रिज को क्यों चुना गया? सवाल नंबर 5, कौन है साजिश का मास्टरमाइंड? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है? इन सवालों के जवाब जल्द ही एनआईए की जांच में मिल जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।